You are watching Poonch Live. स्टेशन पोस्ट ऑफिस मंडी जिला अंजाम दे रहा हूँ और यहाँ पर जहाँ इस वक्त हम बैठे हैं ये सारा इलाका अक्सरियत में मुस्लिम आबादी पर मुश्तमल है। तो मैं इस्लाम के ताल्लुक से जो नशा के ताल्लुक से इस्लाम का पैगाम है और इस्लाम का जो नजरिया है उनको हर मजहब कोई भी बुराई हो समाज के अंदर कोई भी मजहब उसको प्रमोट नहीं करता, उसकी मजम्मत ही करता। इस्लाम एक आफाकी मजहब एक फितरती मजहब है और इसने हर बुराई की सख्त से सख्त मजम्मत की। और नशा जब इंसान करने लगता है तो उसके सामने माँ बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, बीवी बच्चों का रिश्ता, अहबाब रिश्तेदारी सब खत्म हो जाती है। वो खुद अपने आप में फना होने लगता है, अपने आप को बर्बाद करने लगता है। और जो नशे का आदि हो गया वो जिक्र इलाही से भी इबादत इलाही से भी बहसीत सोशल वर्कर मोहम्मद फरीद मलिक। हर रोज़ आप देखते हैं कि ड्रग्स जो है वो कोटलू के हिसाब से बॉर्डर एरिया में या बाकी जगहों पे पकड़ा जाता है। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि जहाँ हमारी इंडियन आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस पकड़ने में ड्रग्स पकड़ने में कामयाब हुई है, वहीं दूसरी तरफ समाज को ज़रूरत है कि हम इसका मुकाबला करें। आज हमारी एक मंडी में जो है वो एक सेमिनार था, कल पुंछ में था और आज मंडी में एक तारीखी सेमिनार किया गया जिसमें हमारे उलमा और बाकी मज़हब के लोगों को जो है बुलाया गया ताकि वो अपना मैसेज दे सके कि धर्म नशे के बारे में क्या कहता है। तो कोई भी धर्म जो है वो बुराई की इजाज़त नहीं देता, बल्कि कोई भी बुराई फैलाने वाली चीज़ है उसकी उससे मना करता है। तो आज के हवाले से मैं ये कहूँगा कि जहाँ आर्मी ने हमेशा सरदों की हिफाजत की, मिलिटेंसी को कुचलने में कामयाबी हासिल की और ऑपरेशन सद्भावना के तहत लोगों की मदद की, वहीं दूसरी तरफ जहाँ भी बुराई होती है आर्मी फ्रंट लाइन पर आती है। तो आज के हवाले से जो ये सेमिनार हुआ ये एक तारीखी सेमिनार था जिसमें हमारे उलमा बाकी रिलीजियस ने जो मैसेज दिया है उस पर हम अमल करते हुए हमारी सिविल सोसाइटी हमारे लोग हम सब मिलकर नशा मुखालिफ मुहिम में जुट जाएँ और जहाँ भी कहीं हमें ये पता चले कि कोई इस किस्म की लोग हैं तो उनके खिलाफ उनको कानून के हवाले में हम अपना रोल अदा करें। शुक्रिया। आज जो है इंडियन आर्मी के बैनर तले यहाँ पर एक अवेयरनेस कैंप रखा गया था जिसकी मुराद थी कि समाज में वो तबका जो नशे का शिकार हो गया, जिसे नशे की लत लग गई है, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत यहाँ पर ये सेमिनार मुनक्कद किया गया जहाँ पर हमारे जो मजहबी स्कॉलर हैं उनको मदऊ किया गया, PRIs को मदऊ किया गया, स्कूली बच्चों को और जो समाज के ज़िम्मेदार लोग हैं उनको मदऊ किया गया और जानकारी दी गई कि किस तरह ये नशा जो है समाज को खोखला कर रहा है। तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा इंडियन आर्मी को, चूँकि उनको पहले ही बहुत सारे चैलेंजेस हैं बॉर्डर पर। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो किस तरह बंदूक बरदार लोगों को यहाँ धकेल रहा है और यहाँ के अमन में खलल पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इंडियन आर्मी ने एक और चैलेंज हाथ में लिया है कि नशा मुक्त भारत किया जाए, लोगों में अवेयरनेस और जानकारी पैदा की जाए कि किस तरह हम इन नशा करने वाले या नशा बेचने वालों लोगों के साथ मुकाबला कर सकते हैं।